आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 9 मई हो गई है और लगभग 8 दिन तो निकल चुके हैं और हमने देखा कि गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई, कई इलाकों में काफी ज्यादा अच्छी गर्मी देखने को मिली है। अच्छी भी कह सकते हो या भीषण गर्मी भी कह सकते हैं इसको। और प्री मानसून गतिविधियां भी कई राज्यों में हो रही है, लेकिन अभी भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों के साथ साथ राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी और उत्तरी जिले हैं वो पूरी तरह सूखे पड़े हुए हैं। और उसी तरह से महाराष्ट्र में भी बारिश की गतिविधियां बहुत ही कम हुई हैं। लेकिन जो वेदर एक्टिविटी है वो हम देख रहे हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में तो लगातार चल रही है, पिछले कम से कम हफ्ते 10 दिन से लगातार बारिश हो रही है। और पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि मुजफ्फरपुर जो बिहार में है वहाँ भारी बारिश हुई है और बिहार के कई इलाकों में, पश्चिम बंगाल में भी हो रही है कई दिनों से, उड़ीसा में भी ठीक ठाक बारिश हो रही है, छत्तीसगढ़ में हो रही है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश देखने को मिली है। बिहार में, झारखंड में लाइट टू मॉडरेट रेन हुई है और तेलंगाना में भारी बारिश के बाद अब थोड़ी सी कमी आई है, हल्की बारिश हो रही है और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियां हो रही है। तो कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा है, इतना हिस्सा ये बारिश नहीं देख रहा और ये जो इलाका है ये पूरा अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक जो बारिश है वो इन सारे जिलों में तो काफी अच्छी हो रही है, यहाँ से लेकर के। एक मिनट, ये जो इलाका है ये पूरा इलाका काफी अच्छी बारिश देख रहा है, लेकिन ये इसके आगे का जो हिस्सा है ये पूरा गर्म है और काफी ज्यादा सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन अब बारिश की गतिविधियां यहां पर भी शुरू होने वाली है। वो क्यों शुरू होंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो अब देखिए, ये जो वेदर सिस्टम है इस तरह से बनेगा, पंजाब और हरियाणा के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ सिंध पर है, लेकिन इसका कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पर नमी वाली हवाएं कम है और जो सूखी हवाएं हैं बलूचिस्तान से वो ज्यादा आ रही है। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब हरियाणा पर है, यहाँ से ट्रफ आप देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक आ रही है। एक उत्तर प्रदेश से होती हुई पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना के साथ साथ दक्षिण भारत की तरफ जा रही है। तो ये जो सारे वेदर सिस्टम है इसके कारण अब वेदर एक्टिविटी बढ़ने वाली है। तो पिछले कुछ 24 घंटों में क्या हुआ है वो देखेंगे पहले। अब इस समय जो आज 9 मई को ये 12 बजे के आसपास की पिक्चर है, इसमें आप देखिए कि बिहार के ज्यादातर इलाकों में, झारखंड के कई इलाकों में, पश्चिम बंगाल, इन सारे इलाकों में बादल छाए हुए हैं। छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ विदर्भ में, तेलंगाना में बादल हैं और दक्षिण भारत में भी बादल दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके सूखे हैं, हल्के फुल्के बादल महाराष्ट्र में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। अब अगर टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। पहले हमने देखा था कि रायलसीमा, गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये जो इलाके थे बहुत ज्यादा गर्म थे, यहाँ पर सबसे ज्यादा टॉप पे टेम्परेचर थे। अब आप देखिए बारमेर है 46 डिग्री, सबसे ज्यादा गर्म राजस्थान में बारमेर हो गया है। और पलौदी भी आप देखिए राजस्थान में है, गंगानगर भी राजस्थान, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, ये सारे जो राजस्थान के इलाके हैं बहुत ज्यादा गर्म हो गए हैं। अब ये पिलानी में 44 के आसपास है, गुना मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर भी भीलवाड़ा है, फिर चुरू है, अजमेर है, ये ज्यादातर इलाके हम देख रहे हैं। जयपुर में, जयपुर भी यहीं पर है और ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म है इसमें। और बाकी अजमेर है, दतिया है, सुरेंद्र नगर है, अहमदाबाद है, टीकमगढ़, गांधीनगर, ग्वालियर और बांदा, ये सारे इलाके भी काफी ज्यादा गर्म है। यानी कि जो पश्चिम भारत और उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी ज्यादा हो गई है। अब बारिश की गतिविधियां जो हुई हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिली है मुजफ्फरपुर में, बिहार में 66 मिलीमीटर, कोझिकोड जो केरल में है 46 मिलीमीटर, बिदर जो कर्नाटक में है 42 मिलीमीटर, बलपारी में भी 30 मिलीमीटर, मांडिया में 20, बेंगलोर में 18। बेंगलोर में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन जिस दिन मैच था उस दिन नहीं हुई है, वो काफी अच्छी बात है। और चांदवली में 15 है, कोटायम में 15, गुलबर्गा 14, उडामंगलम, मदुरई, चित्रदुर्गा, उदगीर, बेतुल, गोंडिया, कराईपुर और केजोनगढ़, तिरुवनंतपुरम और डिब्रूगढ़, ये सारे इलाके काफी अच्छी बारिश देख चुके हैं। अगर हम पहाड़ों की बात करें तो अब पहाड़ों पर धीरे धीरे वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी, ये पूर्व की तरफ से आ रही है। यानी कि पहले ये हिमाचल और उत्तराखंड में कुछ वेदर एक्टिविटी होगी, उसके बाद कल से 10-11-12 तारीख को बाकी इलाकों में भी जो मौसमी गतिविधियां थोड़ी बढ़ जाएंगी, बारिश वगैरह होगी और ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्का स्नोफॉल कहीं कहीं हो सकता है।
तो इस तरह का मौसम देखने को मिलेगा। पंजाब की बात करें तो 10 और 11 तारीख को पंजाब में खंड वर्षा यानी कि टुकड़ों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है और मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है। जो टेम्परेचर थोड़े बढ़ रहे हैं वो थोड़े से कम हो सकते हैं, कोई ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा विशेष अंतर दिखाई दे नहीं देगा। और उसी तरह से हरियाणा और दिल्ली में 10, 11 और 12 तारीख को जो टुकड़ों में कहीं कहीं मेघ गर्जना के साथ साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं। तो दिल्ली का टेम्परेचर 42 डिग्री आया था लगातार चार दिन से, जो 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ था, कल 38 डिग्री के आसपास पहुंच गया यानी कम है। और आज भी ठंडी हवाएं यानी कि पूर्वी हवाएं चल रही हैं तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम रहेगा, यानी कि भीषण गर्मी से थोड़ी सी निजात दिल्ली को मिल जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, सिद्धार्थनगर, खुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, भदोही, प्रयागराज, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अभी होने की संभावना नजर आ रही है। और ये जो इलाका है फिर धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पूरे इलाके में बढ़ जाएगी, यानी कि जो मध्य भाग है और उत्तरी भाग में ज्यादा रहेगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी और ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, ये जो इलाके हैं ये सूखे रह जाएंगे, यहाँ पर बारिश की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। लेकिन जो बाकी इलाके हैं उस इलाके में बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बिहार में बारिश अच्छी हो रही है और आज भी बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक होने की संभावना है। अगले एक दो दिनों के दौरान भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी और जो टेम्परेचर है थोड़े से कंट्रोल में बने रहेंगे। अब अगर देखें तो कल से यानी 10 और 11 तारीख को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा संभाग में जितना भी है, बारा, झालावाड़, बूंदी, टोंक, अजमेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन बीकानेर के पश्चिमी इलाके, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, ये जो इलाके हैं ये सूखे और गर्म रहेंगे, यहाँ पर जो मौसमी गतिविधि नहीं पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है एक दो स्थानों पर बादल की गरज चमक हो जाए लेकिन ज्यादातर वेदर एक्टिविटी आपकी इन्हीं इलाकों में आपको दिखाई देने वाली है। और लेकिन जो भीषण गर्मी है वो दो दिनों तक रहेगी, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर राहत मिल सकती है आपको। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि जैसे ये जो सिस्टम बना हुआ है, 10 तारीख की बारिश है, तो 10 तारीख की अगर हम बारिश देखते हैं तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश में अभी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, अब पूर्वी राजस्थान में थोड़े बहुत 10 तारीख को वेदर एक्टिविटी हो रही है। और अगर हम देखें 11 तारीख को तो फिर आप देखिए मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं यानी गुना, शिवपुरी, शाहजहांपुर और ये जो उज्जैन है, रतलाम है, नीमच है, धार, खांडवा, खरगोन, अलराजपुर, बड़वानी, ये इलाके हैं। और जो पूर्वी राजस्थान है यहाँ पर आप देखिए 11 तारीख को काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं और 12 तारीख को भी जो मध्य प्रदेश के कई इलाके जो हैं वो पूर्वी और बाकी इलाके जो हैं उसमें बारिश की गतिविधियां आ जाएंगी। लेकिन ये जो राजस्थान के पूर्वी जिले हैं वहां से समाप्त होना शुरू हो जाएगी, तो इस तरह का मौसम रहने वाला है। और अगर हम देखें आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है, जो पहले मौसमी गतिविधियां हो रही थी बारिश वगैरह वो अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। और झारखंड में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी, बहुत ज्यादा हैवी बारिश की चांसेस यहाँ पर नहीं लग रहे, खंड वर्षा ही रहेगी। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी पैची रेन अभी भी जारी रहेगी, पूरी तरह से शुष्क नहीं रहेगा लेकिन कुछ ना कुछ मौसमी गतिविधियां अगले 4-5 दिनों तक यहाँ पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देती रहेगी। गुजरात पूरी तरह शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा, बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ पर अभी बनी रहेगी, यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में विदर्भ मराठवाड़ा में आज और कल में बारिश हो सकती है। 11 और 12 तारीख को आपका ये पूरा इलाका, केवल ये जो आपका ये है कह सकते हैं कि मुंबई और उसके आसपास के जो इलाके हैं, नासिक का कुछ इलाका कह सकते हैं जो गुजरात से लगा हुआ है ये, और आपका ये इतना इलाका यहाँ पर बारिश नहीं होगी और बाकी सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपके 11 से 13 के बीच में हो सकती है। यानी कि महाराष्ट्र को बहुत अच्छी राहत मिलेगी और ये पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियां होंगी। मुंबई, थाने, दहानू वगैरह में शायद बारिश नहीं हो, बादल वगैरह छाएं, लेकिन बाकी इलाकों में सभी जगह पर बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां आज भारी बारिश हो सकती है, गंगे पश्चिम बंगाल में और ऊपर के इलाकों में, बीच वाले इलाके थोड़े से हल्की बारिश देखेंगे, उसके बाद भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 4-5 दिनों तक मौसमी गतिविधि लगातार जारी रहेगी। अब कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में आपको मालूम है कि ट्रफ रेखा कर्नाटक के अंदर होकर के इस तरह से होकर के आगे जा रही है,
तो ये पूरा इलाका जो है कर्नाटक का ये काफी अच्छे बारिश देखेगा, खास करके जो दक्षिण अंतरिक्ष कर्नाटक है, बेंगलोर, तुमकुर, चामराजनगर, चिकमंगलोर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश है। मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, एक दो हैवी स्पेल हो सकता है। कोस्टल एरियाज में लाइट रेन होगी, लेकिन इंटीरियर कर्नाटका में, जो नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में, वो लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। तेलंगाना में बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू हुई हैं आज, लेकिन अब बहुत ज्यादा बारिश नहीं है। पैची रेन की गतिविधियां अगले दो तीन दिनों तक यहां पर जारी रह सकती हैं। आंध्र प्रदेश में भी अभी जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश है यहां पर अच्छी बारिश होगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में लाइट रेन की संभावना है। आंतरिक तमिलनाडु में और दक्षिण तमिलनाडु में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कोस्टल एरियाज में जो चेन्नई है और चेंगलपेट है, पुडुचेरी है, वेलापुरम है, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, नागापट्टनम वगैरह में, इसमें लाइट रेन और पैची रेन रहेगी। इंटीरियर पार्ट्स में गेट लाइट टू मॉडरेट और आइसोलेटेड हैवी स्पेल्स लाइक नीलगिरी हिल्स, कोयम्बटूर, मदुरई, दीज एरियाज। और केरल में भी लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। अच्छी बारिश की संभावना अगले तीन चार दिनों तक दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो है फ्लड लाइक सिचुएशन तो नहीं रहेगी, लेकिन मौसम काफी अच्छा हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी छुटपुट बौछारें अभी जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।